काम करके अभी फ्री हुए हैं। आज फैक्ट्री इतना काम था तो बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ी। खाना भी अभी नहीं खाया, 3 बज चुके हैं। तो अभी मैं घर से खाना लेके आया हूँ। घर चावल बने हुए थे, कंटीन पे कोई चीज़ पकी नहीं थी, तो ज़्यादा और मैंने खाना खाना था। मैंने कहा चलो अपना घर से ले आते हैं, ये घर चीज़ अच्छी पकी हुई है। तो अभी मैं हाथ ज़रा धो लूँ, और बिल्स वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, वो करते करते काफ़ी टाइम लग गया। खाना खाते हैं, वीडियो को करते हैं ये स्टार्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। राज साहब किधर गए? चलो करते हैं फ़ोन को, बुलाते हैं। चावल देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, वो भी खा के पता चलेगा कैसे है। सारे इसमें डाल लेते हैं। उई उई। ले जनाब, वाह सुभान अल्लाह। इसको उठा लेते हैं। ले जनाब, मैंने तेल लगा के दम देखे, पूरा प्लेटर ही बन गया। ऊपर से पुदीने की चटनी की, दही की, रायता और गाजरें, खीरा, नमक, अपना मूली और प्याज। ओ यार बहुत खूबसूरत दिन, धूप निकली हुई है, ऊपरों हवा चल रही है। सुभान अल्लाह जी, सरसों कैसे हिल रही है, और ये सामने शरीन का दरख्त लगा हुआ है, क्या बात है। अपने व्यूज़ तो अपना सब्सक्राइबर रुक गए हैं, जब से मोनेटाइज हुआ है चैनल, व्यूज़ और सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। मैंने चेक किया है वैसे, यूट्यूब पर अक्सर लोगों ने व्यूज़ अपना रिव्यू दिए हुए हैं इन चीज़ों पर, अपने YouTube पे क्लिप बना कर छोड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि जब मोनेटाइज हो जाता है तो उसके चंद दिन बाद अपना व्यूज़ और सब्सक्राइबर में कमी आती है और कम हो जाते हैं ज़रा। तो मैं तो परेशान था कि चैनल फिर ना दोबारा डीमोनेटाइज हो जाए। YouTube वाले यार ख्याल रखियो मेरा, कि मैंने डीमोनेटाइज ना कर दियो तो मेरे को मुड़ के हिम्मत नहीं है दोबारा वीडियो बनाने की। तो बस मैंने 2-3 दिन सर्च किया इस पर, वो ये काफ़ी चीज़ें हैं, CTR वगैरह हो गया एडसन की, उसको मैनेज अपना करना पड़ता है, देखना पड़ता है वो ना लो हो जाए इसकी परसेंटेज। तो बस अजीब से अपना मामले हैं ऐसे YouTube के, कोई आसान नहीं है ऐसे भी चलाना। तो अल्लाह खैर करे YouTube वाले ना ही कोई झटका दें तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह बढ़ ही जाएँ आस्ता आस्ता। मैं तो रोज़ाना कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी से अच्छी बनाऊँ, और सब्सक्राइबर भी आते रहें और व्यूज़ भी आते रहें। बाकी अल्लाह के काम है, अगर इसमें कोई अपना कोई तरक्की के चांसेस हुए तो ज़रूर मिल जाएगी। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आस्ता आस्ता बेहतरी हो जाएगी। देखो ये यासिन है बीबी, इसे मैंने नाम दिया हुआ है हिटलर का, मूछें माशाल्लाह इसकी बिल्कुल हिटलर जैसी है, हिटलर का कज़न लग रहा है, चाचा ज़्यादा लग रहा है। ये अपना 21वीं सदी का हिटलर है, ये रजिस्टर दे चेक कर लो, अकाउंट ऑफिस से बंदा पूरे काम नहीं कर देने, अकाउंट ऑफिस वाले जिन्ना बंदा कला काम देखी जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क है। मीटर हो रहा है 15 मीटर। छुट्टी जनाब हो गई तो मैं क्या अच्छ बाहर जरा एक बाग का विजिट कर लिया, अमरूद खान दिल कर रहा है सजा ही वेला छुट्टी ही काफी टाइम लेट हो गया, सूरज हो गए अमरूद भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ये नसीबा छोया अकबर है माशाल्लाह जी। आपको सबसे पहले तो पीछे अपने सूरज का व्यू चेक करवाता हूँ, अगर नज़र आ रहा हो आपको तो कोई नहीं आ रहा। तो कमाद का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी कमाद कट चुका है, थोड़ा सा रह गया है, तो अमरूद भी इतने ख़ास नहीं है कोई, देखते हैं अगर कोई मिल गया तो। हाँ जी निकाय साहब,
देखो कोई काबी नजर ना अमरूद कोई। हाँ जी शोना क्या कर रहा है? है मुझे देखते ही उछलना शुरू हो गई है, अब मस्के लगाना शुरू हो गई है, मुझे बाहर लेके जाओ। है जब से पैदल चलना शुरू हुई है ना तो ये नहीं पकड़ी जाती, कभी किधर कभी किधर, कभी किसी चीज़ को छेड़ेगी कभी किसी चीज़ को छेड़ेगी। बाबा 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 वाह जी वाह माशाल्लाह। हाँ जी फाह साहब ने पतंग बनाई हुई प्लास्टिक की, दिखाओ जरा पतंग किधरों लई है, किधरों लई है दिखाओ जरा अपनी पतंग दिखाओ जी इधर। जी फाह दी पतंग प्लास्टिक के कागज की पतंग बनाई हुई है, बचपन च ऐसी भी बड़ी बना के पढ़ाई होती सी। छोड़ दो फट जाएगी सोना पतंग फट जाएगी। फहद अब बता। अच्छा अभी रास्ते में आ रहे थे मैं और फहद, तो रास्ते में हमारे ना छोटी सी गली आती है उसमें अंधेरा है काफ़ी, तो वो कह रहा था उसमें ना जीन और चुड़ैले हैं। मैंने पूछा वो क्यों, आपको कैसे पता? कहता है वो अपना म्यूजिक की आवाज़ आती है तो वो डांस करती है ऐसे ही है ना, ऐदा ही है। देखी सी तू चुड़ैला उस गली, देखी चुड़ैला तू है देखिया सी अंधेरे की वजह से। वो ना अपना गली के काफ़ी अपना मोड़ है, एक दो मोड़ है उसके, तो बड़ी छोटी सी है वो डरावनी सी है, तो उसमें अंधेरा होता है, तो बच्चे फिर हम जब छोटे होते थे ना हम भी उस गली से बड़ा डरा करते थे, तो उस गली से वाकई खौफ आता है। कहता है उस गली में ना चुड़ैले हैं मामू, आपने जाना है उधर देखनी है आपने, अगर वो उधर म्यूज़िक की आवाज़ आती है और अपना वो डांस करती है। हाँ चले फिर उधर उस गली में चले। मतलब मैं इधर, तो इधर मैंने अपना घी पड़ा हुआ था वो उठाना है, दूध लेना है रास्ते में। वाह जी वाह देसी घी, माशाल्लाह इसकी स्मेल ही क्या अजी अखीर स्मेल है यार, और भी बड़ा प्यारा है। आज साग पका हुआ था, मैंने कहा चलो देसी घी डालते हैं उसमें, अभी ख़रीदा ही है मैंने थोड़ी देर पहले, तो इधर ले आया था, ले आए हैं घर वाले, मैंने कहा उधर लेके जाता हूँ। दो दिन खूब सर्दी रही है, हाथ जमा देने वाली सर्दी रही है दो तीन दिन, तो आज कुछ अपना सूरज निकले वजह से कुछ और कम हुआ है, तो ठंडी हवा फिर भी चलती रही है, तो अभी शाम हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो मतलब कि बारीक कपड़े भी अपना जर्सी वगैरह पहन लो तो कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं महसूस हो रही। रात का वक्त हो चुका है जी, और चांद बारीक सा निकला हुआ है, थोड़े दिन पहले ही अपना इस्लामी महीना नया शुरू हुआ है। घी मैंने ले लिया, मैं जा रहा हूँ दूसरे घर, रास्ते में दूध लूँगा, अंडे लेने हैं, तो एक पैकेज मेरा ख़त्म होने वाला है वो रिन्यू करवाते हैं। ओए होए 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 साग तो बेच देसी घ्यो, तो रोटी तो भी देसी घ्यो, फुल ही अथरा माहौल। आया रोटी खा ला? खा यार मैं तो ज़रा एक तो चेक करो जी ज़रा देसी घ्यो डुबो के। ओए होए होए स्वादिष्ट, अंदर तक स्वाद गया आज, यकीन करो। एक और बाइट, अरे यार मजा आ गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक और जी, वाह ये देखें ये सर्दियों का यही मज़ा है, मैं ख़त्म कर लूँ इसे फिर होती है बात। ले जी साग और रोटी का बड़ा मज़ा आया, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज़।